लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, पहला कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, आगे पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो सब में दो दो एग्जांपल देखेंगे। पहला है जैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, तो इसमें दो एग्जांपल ले रहे हैं, देखें कैसे कन्वर्जन होता है। जैसे बाइनरी दिया रहेगा, इसका बेस 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका बेस 10 है। तो एग्जांपल इसको हल कर रहे हैं, तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं। इसका बेस इसको लिखेंगे इस तरह से 1, इसका बेस 0, 1, 2, 3, 4, 5। पोजीशन वैल्यू ऊपर लिख लेंगे, आप दिमाग में अपने सेट कर लेंगे। पोजीशन वैल्यू 0 मतलब 10^0 का मतलब इकाई शुरू होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो पोजीशन वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हल कर रहे हैं, जैसे ये है, ये बाइनरी है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पोजीशन वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो लिखेंगे ये हमारा MSB हो गया, ये LSB है। जो LSB होता है उसकी पोजीशन वैल्यू 0 होती है, जो MSB है उसकी पोजीशन वैल्यू अधिक होती है। तो इसको लिखेंगे 1 × 2^5 प्लस 1 × 2^4 प्लस 1 × 2^3 प्लस 0 × 2^2 प्लस 1 × 2^1 प्लस, नीचे लिख लेते हैं इसको, प्लस 0 × 2^0। इसको हल कर लेंगे, 2^5 का मान 32 होता है, प्लस 2^4 का मान 16 होता है, 2^3 का मान 8 होता है, और इसका मान 0 हो जाएगा। 0 × 2^2 यानी 0, 1 × 2^1 यानी 2 हो जाएगा, प्लस 0 × 2^0 यानी 0 हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे, 8 × 2 = 10 16 26 26 और 32 58 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1110010। इसका जो डेसिमल है कितना आ गया, 58। इसमें दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में। हमारी बाइनरी है 1110010, ये है डेसिमल पॉइंट 101 बाइनरी। ये बेस 2 बताता है कि बाइनरी में, इसका बेस 10 बता रहा है, इसका मान याद करना है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरा एग्जांपल 11010। सबसे पहले पूर्णांक वाला मान लेंगे, जिसे 11010। तो इसका मान, ठीक है, इसको पहले हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले इसका पोजीशन वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, इसका पोजीशन वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको लिखें 1 × 2^5 प्लस 1 × 2^4 प्लस 1 × 2^3 प्लस 0 × 2^2 प्लस 1 × 2^1 प्लस 0 × 2^0। इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मान भी 58 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन वैल्यू भी है, दशमलव के बाद 101 है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम -1 शुरू करते हैं, -1, -2 एंड -3। माइनस का पोजीशन वैल्यू शुरू करते हैं, तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.101। इसका डेसिमल निकालते हैं, 0.101 को शुरू करेंगे, 0 पहले -घात बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 × 2^-1 प्लस 0 × 2^-2 प्लस 1 × 2^-3। इसको हल कर लेंगे, ये हो गया 1/2 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। इसको हल करेंगे 0.5 आएगा, प्लस इसको भाग देंगे 0.125 आएगा। इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 0.625 आएगा। इसका सही आंसर आ गया 1110010.101। इसका हमारा
डेसिमल मान आएगा 58.625। नेक्स्ट कन्वर्जन है बाइनरी टू ऑक्टल। अभी पढ़े हैं हम बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है। इसका दो एग्जांपल लिए, पहला एग्जांपल है 110011, तो इसको हल करते हैं, पहले लिख लेंगे 110011, ये बाइनरी में है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। इसका भी 60 है, इसका भी 2 है, तो इसमें क्या करते हैं, राइट साइड से तीन का पेयर बनाते हैं, तीन का पेयर बनाएंगे राइट साइड से, जो शेष बच जाता है उसमें तीन का पेयर बनाने के लिए शेष 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका डेसिमल इक्विवेलेंट नंबर लिख लेंगे, जैसे 111 इसका डेसिमल 7 होता है, 100 इसका डेसिमल 4 होता है, 001 इसका डेसिमल 1 होता है, और यही हमारा ऑक्टल इक्विवेलेंट मान हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 110011, इसका मान आ गया 147 ऑक्टल। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसमें पूर्णांक है और फ्रैक्शन वैल्यू भी है, ठीक है। सबसे पहले पूर्णांक वाला मान लेंगे, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, इसको 111011, फ्रैक्शन वैल्यू है 11001। तो इसमें क्या करते हैं, जो पूर्णांक वाला होता है उसको राइट से लेफ्ट की तरफ 3 का पेयर बनाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 का पेयर, एक शेष बचता है उसमें 2 0 बढ़ा के 3 का पेयर बना लेंगे। जो दशमलव के बाद है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाएंगे, तो इसमें से पेयर ये 2 है, ये पेयर नहीं बन रहा, 1 0 बढ़ा देंगे, 3 पेयर बन जाएगा, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 1 हो गया, इसका 6 हो गया, और इसका 7 हो गया, और इसका हो जाएगा 6, और ये 2 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 110011, 110001, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ गया 167.62। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसमें पहला एग्जांपल ये हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। ये इसका बेस 2 है, मतलब बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है जिसका बेस 16 है। तो इसमें क्या करते हैं, अभी पिछला बाइनरी टू ऑक्टल में देखे थे 3 का जोड़ा बना रहे थे राइट से लेफ्ट की तरफ, इसमें 4 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये 4 का जोड़ा हो गया, ये 4 का जोड़ा हो गया, ये 4 का जोड़ा हो गया, इसमें 1 है, इसमें शेष 4 का जोड़ा बनाने के लिए 3 0 और बढ़ा देंगे, ठीक। अब इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे, जैसे 1000, तो ये 8 को प्रदर्शित करता है, 1111 ये F को प्रदर्शित करता है, 0111 ये 7 प्रदर्शित करता है, और 0011 ये 1 प्रदर्शित करता है। फाइनल आंसर इसका आ गया 101111, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया 17F8। दूसरा एग्जांपल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये फ्रैक्शन वाला है 0.11, तो इसको एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूर्णांक वाला है उसको राइट से लेफ्ट की तरफ 4 का जोड़ा बनाएंगे, शेष 1 1 बच जा रहा है, 2 और 4 का पेयर बनाने के लिए शेष 2 0 बढ़ा लेंगे। उसी तरह फ्रैक्शन के बाद जो फ्रैक्शन वैल्यू है दशमलव के बाद जो है उसको लेफ्ट से राइट की तरफ 4 का जोड़ा बनाएंगे, शेष इसमें 1 बच जा रहा है 4 का जोड़ा बनाने के लिए शेष 1 0 बढ़ा देंगे, और इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर लिख देंगे। तो 0011 0011 को 3 लिखते हैं, 1000 को 8 लिखते हैं, और 1110 को इसको लिख लेते हैं 8421, 8 से 12 14 14 क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, और 00010 इसको लिखते हैं 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 11100.111001 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे,
इसको लिखेंगे 3 8 ई और 2